Hey, hi guys, it's me, Katie, and today I'm doing this the cheapest makeup on Nykaa video. So the cheapest affordable makeup on Nykaa, this video I'm doing. Yeah, hi guys, so then some got interruption and I'm again saying that I'm Katie and it's Katie's makeup. Please subscribe to my channel and hit the bell button. Main hamesha ye bolna bhul jati hu. So please subscribe to my channel. I really need followers. I really need subscribers. So today I'm taking this really nice affordable, the cheapest affordable haul from Nykaa, cheapest makeup products from Nykaa. So yeah, so we're gonna do that. Okay, so yeah, so the first thing I'm gonna do in this video is that I'm gonna moisturize my, because I don't have any primer, because primer jo hai wo mujhe koi affordable cheapest sabse cheapest mila hi nahi. Jo mere paas hai wo hai Lotus wala, Lotus ka Eco Stay wala, and मेकअप से पहले आपको हाइड्रेट करना होता है, तो मैं ये वैसलीन का रोज़ वाटर जेल ले रही हूँ. ये बहुत अच्छा जेल है. इट्स कम्प्लीटली लाइक ये बिल्कुल इट इज़ कम्प्लीटली वाटर बेर. इट्स लाइक एलोवेरा जेल एंड इट्स लाइक मैं अपने मुंह पे लाइक पानी. या गाइस, आई एम जस्ट पुटिंग रोज वाटर एंड एवरीथिंग ही देयर and on my face. So yeah guys, so I'm just now I'm going for the BB cream. This is the Garnier BB cream and ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला. सो आफ्टर अप्लाइंग रोज वाटर एज अ प्राइमर आई एम पुटिंग दिस बीबी क्रीम एज अ प्राइमर ओवर माई फेस टू कवर ऑल माई ब्लैमिशेज एंड एवरीथिंग. सो इन डैप 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 मोशन मैंने टैप 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 मोशन में मैंने अपने पूरे फेस पे से लगा लिया. और सी दैट बीबी क्रीम गेव मी लाइक अ रियली नाइस शीन ओवर माई फेस, लाइक अ ग्लो. यू कैन यूज़ इट फॉर योर स्कूल, फॉर योर कॉलेजेस, यू नो, यू कैन यूज़ इट लाइक दैट, लाइक विदाउट एनी फाउंडेशन वगैरह. सो इट हैज़ एस पी एफ एंड इट इज़ रियली नाइस बीबी क्रीम. सो इसे हो गया. अगर आपके कोई ब्लैमिशेज हैं, अगर आपके डार्क ब्लैमिशेज हैं, एक्ने एक्ने स्कार्स हैं, तो आप उस पर लगा के उन्हें दूर कर सकते हो. उसके ऊपर आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है. सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग फॉर इज लाइक द फाउंडेशन, द ओलिविया फाउंडेशन दैट मुझे कॉस्ट किया 120. तो मैं इसको भी लूँगी. मुझे लगा बहुत पिंक आ जाएगा, बट ये वार्म टोन में आया. ये काफ़ी ज़्यादा वार्म टोन में आया और बहुत ज़्यादा येलो था ये, तो मैंने डैप 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 मोशन में इसे अपने पूरे फेस पे फैला लिया. उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से सारे पूरे फेस को ब्लेंड कर लिया, आईज वगैरह पे सब पे लगा लिया. अब व्हाट आई एम गोना डू इज दैट, अब मेरा पूरा फुल फेस बेस हो चुका है. तो नाउ आई एम टेकिंग दिस इनसाइट की कंटोरिंग स्टिक, कंटोर प्लस हाइलाइटर स्टिक, जिसमें एक साइड तो कंटोरिंग है और एक साइड हाइलाइटर है. सो आई एम कंटोरिंग माय फेस. Yeah guys, so this is I'm taking this contouring stick and I have contoured all my face. जहाँ जब भी मुझे थोड़ा सा शेडो करना था, अगर आपका फेस लाइक बहुत बड़ा है और आपको कंटोरिंग की ज़रूरत है, तो आपको कंटोरिंग करनी चाहिए. लाइक बहुत, अगर आपका फेस आपकी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा है तो आपको कंटोरिंग करनी चाहिए. मेरे पास कोई कंसीलर नहीं था लाइट कलर का, तो मैंने अपने इस ओलिविया के फाउंडेशन से ही अपने पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने लगा लिया. तो मैंने उसे भी ब्लेंड कर लिया पूरा, और अब जो मैं
अब मैं उसका उसकी डबल साइड दूसरी साइड यूज़ करने जा रही हूँ। लाइक जो हाइलाइटर उसका था वो मैंने अपने आँखों के नीचे लाइक चीक बोन्स पे और लाइक नोज़ के ऊपर अप्लाई कर लिया। काफ़ी अच्छी स्टिक है ये। ये मुझे सिर्फ 140 रुपीज़ में मिल गई। सो दिस इज़ वेरी नाइस फाउंडेशन। दे बोथ आर लाइक मक्खन की तरह चल रहे थे, बहुत अच्छे से लग रहे थे और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका बहुत अच्छा था। सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अगेन द मैं थोड़ा सा बेक कर ले लाइक अगर आपका फाउंडेशन वगैरह थोड़ा येलोनेस दे रहा है तो आप लूज पाउडर की मदद से उसको थोड़ा सा ब्राइटन अप कर सकती हैं। अगर आपके पास थोड़ा डार्क कलर का फाउंडेशन आ गया है तो आप उसको थोड़ा सा, तो मैं इसको अपने आँखों के नीचे जहाँ जहाँ मुझे मेरे मेरे फाउंडेशन को क्रीज होने से बचाना है वहाँ वहाँ मैं इस पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। ये आ गए। सो यहाँ यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे थोड़ी देर अपने फेस पे रहने दीजिए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डस्ट ऑफ कर लीजिए। दिस हैज हैपेंड। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई आईज। सो ये जो भी लूज पाउडर है इससे आपकी येलोनेस कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगी। अब मैं ले रही हूँ सिज ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल जो कि मुझे सिर्फ शायद 95 या 75 रुपीज़, 99 रुपीज़ में मिली है। मेरी आईब्रोज बिल्कुल भी शेप्ड नहीं है तो मैं उन्हें सिर्फ फिल इन कर रही हूँ, थोड़ी सी आगे से थोड़ा शेप वगैरह दे रही हूँ क्योंकि अभी तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, पार्लर्स वगैरह कुछ भी खोला नहीं है। और उसके साथ आपको एक स्पूली टाइप ब्रश भी मिलेगा जिससे कि आप सारा प्रोडक्ट जो है वो आईब्रो पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द पेंसिल इज़ रियली नाइस, इट्स कम्प्लीटली लाइक माई आईब्रो कलर। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा ज़्यादा कर ली बुशी अपने आईब्रोज तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से उसे सही कर सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट। इसका एक और वेरिएंट मेरे पास है बट ये वेरिएंट मेरे पास नहीं था तो ये वाला मैंने 150 और 145 रुपीज़ में मंगा लिया। इसके अंदर 9 कलर्स मिलते हैं आपको, एक शिमर कलर मिलता है, बाकी मैट कलर मिलते हैं। तो आप उससे मैट जो कलर हैं उससे आप इजीली अपनी कट क्रीज में, आई क्रीज में यूज़ करके बिल्कुल अच्छे से अपनी आईज का शेप, आई शेडो यूज़ कर बना सकते हैं, आई लुक बना सकते हैं। तो मैंने ब्राउन ब्रिक कलर का लिया है और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वह है BH कॉस्मेटिक्स का। वो मैं अपनी क्रीज में, आई क्रीज में लगा रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, इसका पिगमेंटेशन काफ़ी है। अब मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ दूसरे ब्रश से। अब मैं उसी ब्रश से वापस ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा मैं आउटर वी में भी लगा रही हूँ। पार्डन मी फॉर माई डॉगी। नाउ आई एम टेकिंग द लाइट कलर, वेरी लाइट कलर लाइक कम्प्लीटली वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, एंड आई एम पुटिंग इट इन लाइक इनर लिड ऑफ माई आई सो आई कैन मेक अ कट क्रीज आई शेडो। नो हाउ आई एम गोना डू दैट। सो मैंने इसको पूरा अपने अंदर लिड पे अप्लाई कर दिया। पूरा मैंने वो जो वाइट ऑफ वाइट कलर का जो था आई शेडो वो मैंने पूरे ना मैंने अपनी दोनों आंखों पे कर लिया है। अब जो मैंने कट क्रीज बनाई है अपने आँख के अंदर उसके अंदर मैं गोल्डन कलर ऐड करूँगी, जो शिमर है, जो जो आई शेडो पैलेट का शिमर है, सॉरी फॉर माई थ्रोट, जो आई शेडो का शिमर है उसका शिमर को मैं डालूंगी। साथियों को शांति नहीं, तो मैंने वो भी अप्लाई कर लिया अपनी, और मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है जो मैंने अपनी आउटर वी में लगाया है और वही लाइट कलर मैं अपनी इनर आई में लगा रही हूँ।
सो आई गॉट लाइक थ्री आई लाइनर. दिस इज द लैक्मे काजल, दिस इज अ ग्लैम 24 लाइनर, एंड दिस इज ऑल्सो ब्लू हेवन लाइनर. सो उसकी टिप बहुत छोटी है, तो आई एम गोइंग फॉर ग्लैम 24 का आई लाइनर. और मैंने वो भी अप्लाई कर लिया, विंग लाइनर लगाया मैंने. और ये मस्कारा है ब्लू हेवन का. आई डोंट नो इफ इट्स ऑथेंटिक मस्कारा ऑफ ब्लू हेवन और नॉट, बट मैंने आई लैशेज भी सेट कर ली है. मैंने फॉल्सेस नहीं लगाई हैं, बट मैंने लाइनर लगा लिया है. और थोड़ा सा डार्क कलर जो है वो अपने आउटर वी में अपने आइज़ में लगाया. अब मैं लिपस्टिक्स के लिए जा रही हूँ. और लिपस्टिक्स के लिए मैंने दो ऑर्डर की थी, बायोटिक की, और ये दोनों ही 120 समथिंग की पड़ी थी. तो ये जो कोरल कलर वाली लिपस्टिक है उसको मैं अपने ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लश अवेलेबल नहीं था एट दैट मोमेंट. तो कोरल कलर का ब्रश, आप अगर लिपस्टिक आपके पास कोई कोरल कलर की है, ऑरेंजिश टाइप की, तो आप उसे कम्प्लीटली ब्लश के तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ द सेकेंड, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है बायोटिक की लिपस्टिक की. ये हर्बल है और बहुत अच्छी स्मेल है और अफोर्डेबल भी है, चीपेस्ट भी है. तो ये शायद मुझे 94 की पड़ी थी, 94 रुपीज़ की. तो मैं ये कलर लगा रही हूँ. मैंने इनसाइड की भी एक लिपस्टिक मंगाई थी, पर वो जो थी वो लिक्विड मैट थी और वो काफ़ी ज़्यादा पिंक थी और वो मेरे आई लुक पे नहीं जा रही थी. सो वो मैंने यूज़ नहीं करी और मैंने बायोटिक की ही पिंक, जो थोड़ी लाइट पिंक थी, वो कलर यूज़ कर लिया. और ये जो कलर है ये बिल्कुल मेरे आई लुक से मैच नहीं कर रहा, तो मैं अल्टीमेट वाला स्विस ब्यूटी का पैलेट लूँगी. हाँ, तो मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया. मुझे ये लिपस्टिक का कलर बिल्कुल सही नहीं लग रहा, तो स्विस ब्यूटी का पैलेट लेके जो उसके अंदर जो डार्क ब्राउन कलर था जिससे मैंने आई शेडो किया था, वही कलर मैंने अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर लिया. और उससे मुझे बहुत अच्छी न्यूड कलर की लिपस्टिक मिल गई. तो आप कुछ ना कुछ करके चीपेस्ट मेकअप को अच्छा कर ही सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ नाउ माई होल लुक लुक्स लाइक. आप ये मत सोचिए कि अगर आपका चीपेस्ट मेकअप है तो अच्छा नहीं लगेगा, या आप उससे अच्छा मेकअप नहीं कर सकते, न्यूड कलर नहीं बना सकते. तो थोड़ा सा ब्राउन कलर और मैंने इसे भी एक मिला अपना कम वाला उसको देखे हो और मेरा हो गया. मैं वापस टचअप कर रही हूँ पाउडर से. सो या लेट्स होप कि इसमें मेरी आवाज़ क्लियरली आए. और या सो मैंने बहुत कम बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा मेकअप कर लिया. अगर आपको सिर्फ बीबी क्रीम लगानी है तो आप सिर्फ बीबी क्रीम भी यूज़ करके बाहर जा सकते हैं, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में. मैंने प्राइमर के लिए वैसलिन का रोज़ वाटर लिया, ये भी बहुत अच्छा रोज़ वाटर है और इससे काफ़ी अच्छे हाइड्रेशन मिल गया मुझे, तो उससे मेरा मेकअप बहुत अच्छा निकल के आया है. सो दिस इज़ गाइज, सो दिस इज़ द चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम नायका, मैंने ये किया है. ओके बाय गाइज. या गाइज, सो दिस इज़ ऑल माई मेकअप. एंड ओके बाय गाइज.